दोस्तों स्वागत करते हैं आपकी और हमारी चीख के साथ आपके अपने शो में जिसका नाम है जनता की चीख। इसमें जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट चालू करते हैं आपकी और हमारी चीख के साथ। तो विजायक जी, तो ये बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं, आप ही ना बुलाए अपने शो में। तो ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बढ़िया। अरे कट कट कट, ये तुम्हारी दाई बैठे नहीं है, एक शूट है, पत्नी नहीं पनौती है यार। जब देखो यार रिपोर्टर का क्या है यार, मैं देखो क्यों यार, चाय का कॉफी ना पानी कुछ भी नहीं है यार, कैसा व्यवस्था है? ये साला मेरा शो बंद कराएगा, किस गधे को बैठा दिया है मैंने रिपोर्टिंग पे। पहली जनता की चीख है, एक तो जनता चीखती बहुत है यार। कब मिलेगी विधायक जी, कब मिलेगी? कब मिलेगी? मेरा मतलब है महिलाओं को रोजगार को लेकर था विधायक जी, जो नौकरी की बात आपने करी थी वो कब मिलेगी? अरे होगी तो मिल जाएगी, अब है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? पर आपने कहा था। अरे आने तो दो, आएगी तो लग जाएगी, जनता को परेशान होने का जरूरत नहीं है। हेलो, अरे यार मैंने तुम्हारा क्वेश्चन था वो पूछ लिया था यार, एक तो पता नहीं कैसी कैसी फरमाइशें रहती हैं यार तुम्हारी, समझ नहीं आता यार। हाँ पूछ रहा हूँ, परेशान कर रखा है तुम्हें। लेकिन कब तक विधायक जी? अरे हमें क्या पता, जब आएगा तो मिल जाएगा यार। ए पी तुम क्या करो, खरीद लाओ यार, एक तो जनता का चीख पुकार खत्म ही नहीं होता है, इसका जल्दी खरीद लेके आओ। ये आपका मैनिफेस्टो है, इसमें जो वादे आपने किए वो पूरे हुए हैं? तो क्या, जितना लिखा है सारा पूरा हुआ, दो चार को ज्यादा ही हुआ होगा। एक्स्ट्रा की तो भूल जाए विधायक जी, पानी सड़क बिजली इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। पानी सड़क का तो ठीक है, लेकिन ए हमारी मिसेस कहाँ जाएगी घर घर किसी के? विधायक जी बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा कहे ना इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से हमको अपना मिसेस का याद आ जाता है। बार भी आपने यही कहा था आएगी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, आधा गांव में बिजली आ गया है और आधा गांव में थोड़ा जमीन का लफड़ा था, इसलिए थोड़ा रह गया, बाकी आधा गांव एकदम चमका दिए चकाचा। आधा गांव तो छोड़िए विधायक जी, पौना गांव में भी ना बिजली आया नहीं है। रिपोर्टर साहब लगता है अपना ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करे हैं। विधायक जी मैं आपको कोई क्लिप दिखाना चाहूंगा, जनता आप भी देखिए। इस गांव में इसके हालात क्या है, मुआयना करते हैं इस गांव की व्यवस्था क्या है, जैसे कि वादा करा गया है कि एक्चुअली में है कि नहीं है, आइए इस गांव वाले से पूछते हैं इन शख्स के। हेलो, हाँ जी, हाँ जी भैया आपका नाम क्या है? जी मुनिया लाल। मुनिया लाल, तुम आदमी हो कि औरत हो जी? क्या छोड़िए मुनिया लाल जी, बताइए यहाँ पे क्या बिजली पानी कुछ आया है? जी ऐसा तो बिजली ना पानी कुछ नहीं आया है। सड़क और जल? सड़क और जल कुछ नहीं आया सर। मुनियालाल जी ना इधर सड़क आया है ना पानी आया है, फिर भी मैं देख रहा हूँ आप चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप हंसे जा रहे हैं इतनी देर से, इस मुस्कुराहट का कारण क्या है, कुछ बताएंगे मुनियालाल जी? जी यहाँ तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं हमारे विधायक जी ने। मुनियालाल जी ऐसा क्या बड़ा काम करा है जो मैं कि देख रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा बड़ा काम दिख नहीं रहा जिसके कारण मुझे लगता है कि आपको मुस्कुराना चाहिए हंसना चाहिए, कुछ बताएंगे खुल के इसके बारे में? अरे भैया जी ना तो यहाँ बिजली ना पानी ना सड़क ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ के लोगों को इनकी जरूरत नहीं है, इनको तो बस चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं मुनियालाल जी, इसका कोई मतलब क्या, थोड़ा खुल के बता पाएंगे हमारी जनता को? अरे भैया जी चूतिया हो क्या, यहाँ के लोगों को चाहिए महुआ। महुआ? ये कब से खाली पड़ा है, कुछ डालो यार, कुछ डालो इसके अंदर। तो विधायक जी क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या कहे रिपोर्टर, यहाँ पर देखा नहीं इनके चेहरे की खुशी, अरे जनता की खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे विधायक जी मंत्री साहब का कॉल आ रहा है, आज आपकी मीटिंग थी। अरे बैठिए विधायक जी, अभी जनता की चीखे बाकी हैं। अरे जनता की चीखे बाकी है, अगर हम नहीं निकले तो हमारी चीखे निकल जाएगी। विधायक जी बचा लिया आपको हम? अरे क्या बचा लिए, जनता का तो काम ही है चीखना चिल्लाना, आज चीखेगी चिल्लाएगी कल पहुआ मार के सो जाएगी। और हाँ ये मुनिया लाल का पता लगाओ कौन है भूसड़ी वाला। तो चलिए स्टूडियो वापसी चलते हैं, मैं लमर चोपड़ा कैमरामैन चुस्का के साथ,
नमस्कार। अबे दबाओगे